वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे बहुत से दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे कि क्या चीज़ बेस्ट रहेगी स्टेक करने के लिए और किस तरह से हम लोग केक को स्टेक करते हैं ऑटो कंपाउंडिंग क्या है एक जो मैनुअल केक अगर हम स्टेक करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है ऑटो केक को अगर हम स्टेक करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट हमें मिलेगा इस वीडियो में हम यही बात करने लगे हैं कि ऑटो कंपाउंडिंग और मैनुअल में क्या फ़र्क है और हम इससे कैसे स्टे कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग हम कैसे कमा सकते हैं इसकी अर्निंग भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे एक बेस्ट वे से बिना कुछ किए आप लोग अर्न कर सकते हैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट से लेकर बड़ी सी इन्वेस्टमेंट तक आप लोग अच्छा खासा इसमें स्टे करके अर्न कर सकते हैं सो so, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं मेरी रिक्वेस्ट है उनसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए सो so, इसके लिए आप लोगों के पास एक ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट होना चाहिए जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और कहाँ से ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है बेस्ट वे और अच्छे तरीके से मैंने बताया वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है और ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट क्रिएट करते हैं सो so, इसके लिए बेसिकली आपने अपने ट्रस्ट वालों को अकाउंट ओपन करते हैं तो नीचे डी एप्स का ऑप्शन शो हो, हो रहा है इसको आपने क्लिक करना है डी एप को क्लिक करना है डी एप के बाद आपने यहाँ पैंक स्वैप का ऑप्शन आ रहा होगा स्क्रोल डाउन करना है यहां पे इस पर क्लिक करना है पैंक स्वैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके पास सामने आएगा ये तो एक्सचेंज का है आपने पोल्स में जाना है पोल्स में जाने के लिए यहाँ आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पोल्स लिखा हुआ है यहाँ पे पोल्स पे क्लिक कर देना है एक्चुअली दो तरह की फ्रेंड्स स्टेकिंग uh, होती है केक में एक तो ऑटो केक स्टेकिंग होती है और दूसरी मैनुअल केक स्टेकिंग है ऑटो केक स्टेकिंग का बेनिफिट ये है कि इसमें आपको ए जो है ना रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अच्छा मिल रहा है ऑलमोस्ट uh, नाइन्टी uh, के करीब अभी चल रहा होगा और जो मैनुअल है इसका सिक्सटी uh, फाइफ uh, चल रहा है ये आप देख सकते हैं सिक्सटी फाइफ है, है मैनुअल का और ऑटो uh, केक का नाइन्टी uh, परसेंट है मैंने अभी तक तो कोई ऑटो uh, केक पे स्टेकिंग नहीं की अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं मेरे जो है ऑलरेडी uh, स्टेक्ड हुए हुए हैं मैनुअल पे जो मैंने पहले किए थे ऑलमोस्ट दो तीन माह हो गए ऑटो को स्टेकिंग करने के लिए आप लोगों को के पास पैंक uh, केक जो है ना वो आपके वॉलेट में होने चाहिए तभी आप स्टेक कर सकते हैं रिसेंटली स्टेक प्रॉफिट पॉइंट वन परसेंट जो है इसकी अनस्टेकिंग फीस है अगर आप सेवेंटी टू आवर्स से पहले पहले आप इसे अनस्टेक करते हैं तो पॉइंट वन परसेंट फ़ीस कटेगी जो इसकी परफॉर्मेंस फीस है वो इसकी टू परसेंट है ए पी वाई इसका नाइन्टी पॉइंट नाइन एट चल रहा है जो कि बहुत अच्छा रेट है लेट्स वो चलें आप चलते हैं कि स्टेक कैसे करते हैं उसके लिए आप लोगों ने यहाँ केक स्टेक पे क्लिक करना है इस पर क्लिक करने से पहले आप लोगों के पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आएगा जिसको आपने स्वैप करना है स्टेक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास जितने भी केक हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे स्टेक कर देने हैं ये दस डॉलर मैंने आपको समझाने के लिए इधर ट्रांसफ़र किए थे ताकि आप लोगों को मैं सिखा सकूँ तो ऑटो कंपाउंडिंग में केक हम कैसे स्टेक करते हैं सो so, मैक्सिमम पे मैंने क्लिक कर दिया इसके बाद ये देखें एनअल रेट आर जो है एट करंट रेट जो है वो टेन डॉलर है इसमें आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना जल्दी आप लोगों को रिटर्न मिलेगा जितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी उतना अच्छा आपको रिटर्न मिला करेगा इस स्टेकिंग में ये आपने मैक्सिमम सेलेक्ट करके आपने यहाँ कन्फर्म के बटन पे क्लिक कर देना ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कॉल आएगी ये आपने एग्जीक्यूट कर लेनी है इतने आपके चार्जेस होंगे ये नेटवर्क फीस इतनी कटेगी टोटल आपका पॉइंट नाइन थ्री जो है ना ये फ़ीस कट जाएगी ये कन्फर्म कर दिया मैंने कन्फर्म करने के बाद एक ट्रस्ट वॉलेट का कंफर्मेशन मैसेज आएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्जीक्यूटिड ये थे योर फंड हैज़ बीन स्टेक्ड इन द पूल ये मेरे जो है ना फंड जो है वो स्टेक्ट हो चुके हैं so, सो मैं अभी हम इनको देखने जाता हूँ ये देखें ये मेरे जो है टेन पॉइंट एट फाइव जो है ना मेरे डॉलर जो हैं वो स्टेक हो चुके हैं जो कि के हाफ केक बनता है अभी करंट प्राइस के मुताबिक सो so, आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर मैंने वीडियो तो बना दी है इसको एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके यहाँ वॉलेट में केक होना ज़रूरी है अगर आपके वॉलेट में केक नहीं होंगे तो वो स्टेक आप नहीं कर सकते यहाँ पर आप लोगों ने केक कैसे लाने हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो भी चैनल पे बनाई हुई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूँगा कि आप लोगों ने कैसे केक जो है वो बाइनेंस एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र करने हैं और उसके बाद आप लोगों ने स्टेक करने हैं सो so, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़